हे हेलो एव्रीम दोस्तों कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्व के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर वन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि ट्रम्प वन एग्जाम को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखेगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा लक्ष्य है कि दोस्तों टोमन एग्जाम में हम हर सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स में 40 में से 40 लेकर आए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है नेशन शब्द किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है तो दोस्तों नेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम है नेसियो जी हाँ नेसियो नेशन शब्द नेसियो से बना है और नेसियो जो है दोस्तों लैटिन शब्द का रूपांतरण है जिसे हम नेशन कहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन सन 2000 में जिन तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया उनके नाम क्या है सन 2000 में जिन तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया उनके नाम है दोस्तों ए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ बी झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सी झारखंड हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अगर हम झारखंड की बात करें तो ये किससे अलग हुआ दोस्तों बिहार से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से चलिए नेक्स्ट ट्रस्ट विद द डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया ट्रस्ट विद द डेस्टिनी नामक भाषण दिया है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चौदह पंद्रह अगस्त की मध्यरात्रि को एक भाषण दिया गया जिसे ट्रस्ट विद द डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है या हिंदी में दोस्तों इसे क्या कहते हैं भाग्यवधु से चीर परिचित भेंट जी हाँ भाग्य वधु से चीर परिचित भेंट के नाम सभी से जाना जाता है अगला प्रश्न है देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम बताएं। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले राज्य जो हैं वह है पंजाब और बंगाल जी हाँ पंजाब और बंगाल क्योंकि जब भारत का विभाजन उन्नीस में तो हुआ था तो यहाँ से अगर हम बात करें बंगाल से तो बंगाल का जो पूर्वी बंगाल का इलाका और पंजाब का दौर पश्चिमी पंजाब के इलाका इन्हीं दो से बात विभाजन की, की सीमा रेखा के खींची गई थी और जिस सीमा रेखा के माध्यम से भारत का विभाजन किया गया उस सीमा रेखा का नाम दोस्तों रेड क्लिफ क्या है रेड क्लिफ रेखा यहाँ दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी है तो रेड क्लिफ के रेखा के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का विभाजन किया गया है प्रश्न नंबर पाँच भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ए भारत विभाजन दो तो राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था बिल्कुल ठीक है बी धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ सी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी डी विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी तो जो कथन गलत है वह दो सौ डी यानी विभाजन की योजना में यह बात शामिल नहीं थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी तो ये इसका जो कथन है दोस्तों वो कथन गलत है दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों दोस्तोंकि हमारे चैनल पर दो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी बाधा और रुकावट के पहुँच सके और आप सभी लोग वीडियो को लाभ उठा सकें चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम बताइए जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है तो स्वतंत्रता आंदोलन कुछ के उस नेता का नाम दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है जी हाँ बहुत कदावार नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान उनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है लाल कुर्ती आंदोलन के लिए अगला प्रश्न दोस्तों भारत में देशी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कौन है भारत में देसी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता हैं सरदार पटेल जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न डैश भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी जी हाँ सी राजगोपालाचारी और ब्रिटिश भारत के आखिरी गवर्नर गवर्नर जनरल कौन तो है दोस्तों वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन जी हाँ लॉर्ड माउंट बैटन जो है ब्रिटिश भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हैं और भारत विभाजन की किस की योजना के आधार पर किया गया तो भारत का जो विभाजन था वो दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है तीन जून प्रस्ताव जिसे माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है निम्न में से किसने रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारतीय राज्यों का सफलतापूर्वक एकीकरण किया गया था तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो में दोस्तों हमने 500 लाइक का टारगेट रखा और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों इसको पूरा करेंगे तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्न में किन दो रजवाड़ों में आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार कर दिया वो कौन से रजवाड़े हैं ए हैदराबाद और त्रावणकोर बी हैदराबाद और जूनागढ़ सी जूनागढ़ और त्रावणकोर और डी इनमें से कोई नहीं जी हाँ दोस्तों इनमें से कोई तो वो कौन से रजवाड़े हैं वो है दोस्तों हैदराबाद और त्रावणकोट ये वो रजवाड़े जिन्होंने ना तो है ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहा और ना ही भारत मिलने की बात कही इन्होंने अगला प्रश्न है किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर करने की सिफारिश की थी वो इस आयोग का नाम है राष्ट्रीय पुनर्जागरण आयोग बी प्रादेशिक सीमा आयोग सी राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के नाम पर करने की सिफारिश की थी और राज्य पुनर्गठन अगर आयोग की बात करें तो, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से एक आयोग बनाया जिसका नाम था फजल अली फजल अली आयोग और इस आयोग की अध्यक्षता कितने की थी फजल अली फजल अली ने की थी इसलिए से फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद दोस्तों एक और समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम है जे वी पी समिति क्या नाम है जे वी पी समिति जी हाँ जे वी पी जे मतलब जवाहरलाल नेहरू वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टा भी सीतारमैया ठीक है चलिए अगला प्रश्न उन्नीस में असम से अलग करने के कौन सा राज्य बनाया गया तो उन्नीस से में असम से अलग करके जो राज्य बनाया गया उसका नाम है मेघालय जी हाँ मेघालय इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर तेरह भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और इन्हें भारतीय चुनाव आयोग में दोस्तों एक मील का पत्थर साबित हुए यानी ऐसे चुनाव आयुक्त अभी तक हमें नहीं मिले हैं और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको से वादा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको दोस्तों इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता हो नहीं होगी अगर आपको इस दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं द पोलिटिकल मास्टर का लिंक जो है दोस्तों टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्सन में वहाँ से आप जाकर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो इस इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1947 में भारत की कुल आबादी में कितने प्रतिशत मुस्लिम थे तो 1947 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या थी 12 प्रतिशत प्रश्न नंबर 15 भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला भारत का पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश चलिए आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक कांग्रेस नेता पोटू श्री के जो भूख हड़ताल के छप्पन दिनों में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु की थी और इसी के चलते दोस्तों हर बहुत ज़्यादा अगजनी और हिंसा का सामना करना पड़ा दक्षिण राज्यों में और इसी वजह से उन्नीस में नाइनटीन में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ ए राज्य के आधार पर धर्म के आधार पर क्षेत्र के आधार पर भाषा के आधार पर भारत का जो विभाजन हुआ था दोस्तों वो हुआ था धर्म के आधार पर अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे ए उत्तर सीमा प्रांत के नेता बी पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के नेता सी भारत के उप प्रधानमंत्री डी दक्षिण सीमा प्रांत के नेता तो खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे स्वतंत्रता के समय दोस्तों भारत में देशी रजवाड़ों कुल संख्या पाँच थी जिसमें से पाँच सौ देशी रियासतों को सफलतापूर्वक मिला लिया गया था जिसमें जूनागढ़ जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये तीन राज्य थे जिन्हें भारत मिलाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना उन्नीस में की गई दोस्तों प्रश्न नंबर बीस महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह कहाँ के राजा थे तो महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह मणिपुर के राजा थे कहाँ के दोस्तों मणिपुर के राजा थे दोस्तों इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों आप सभी को इस चैप्टर समय किसी भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्लियर प्रश्न नंबर इक्कीस भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धांत के साथ हुआ तो भारत और पाकिस्तान की के विभाजन द्वितीय राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर किया गया प्रश्न नंबर बाईस समाजवादी दल का गठन कब हुआ समाजवादी दल का गठन उन्नीस ईस्वी में प्रश्न नंबर तेईस द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने जी हाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वित सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई पर ढाका में जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है क्वेश्चन है 24 राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में सही कथन चुनिए ए राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट उन्नीस में प्रकाशित छप्पन में प्रकाशित की बिल्कुल सही है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए बिल्कुल कथन सही है राज्य पुनर्गठन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश राज्यों को विभिन्न भाषाओं के आधार पर बनाए जाने की थी तो इसमें दोस्तों जो सही कथन है वो है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर तीनों कथन सही हैं उन्नीस में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के द्वारा भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे तो उन्नीस में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के बाद भारत में राज्यों की संख्या चौदह और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या छह दोस्तों ए इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर छब्बीस राष्ट्र निर्माण में बाधा थी सही कथन चुने ए लोकतंत्र को मजबूत करना बी पाकिस्तान से सहित शरणार्थी पुनर्वास संबंधी सम, चुनौती सी सांप्रदायिक एकता की चुनौती डी भारत में आर्थिक विकास संबंधित चुनौती तो इसका सही विकल्प है ए बी सी डी यानी उपरोक्त सभी सही उत्तर है दो सभी चुनौतियाँ यहाँ पर मौजूद थी किन चार देशी रुझवाड़ों ने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया तो वह दोस्तों जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर और मणिपुर वो चार देशी रियासत हैं जिन्होंने शुरू में भारत में विलय होने से इनकार किया था क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस हैदराबाद निजाम द्वारा घटित सैनिक बल का नाम क्या था है? हैदराबाद निजाम द्वारा घटित सैनिक बल का नाम दोस्तों था राजाकार और इसी राजाकारों के माध्यम से हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद की जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म है इसी बात भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर बलपूर्वक सेना के माध्यम से हैदराबाद के भारत में विलय कर लिया गया और अगर हम बात करें दोस्तों हैदराबाद की जो अस्सी जनसंख्या वो हिंदू थी ठीक है चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को यह किसने कहा कि कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गमी का तो ये कहा था तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अगला प्रश्न है देसी रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है ए ब्रिटिश भारत के कब्जे वाले राज्य सी राजाओं के शासन वाले राज्य सी बी जो है गवर्नर प्रांतोल राज्य और डी कोई भी नहीं तो देसी रजवाड़ों से अभिप्राय है राजाओं के शासन वाले जो छोटे छोटे रजवाड़े थे उनके शासन वाले राज्य को देसी रियासत के नाम से जाना जाता था कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया तो है कांग्रेस के दोस्तों नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था सिक्किम को भारत ने कब विलय किया तो सिक्किम को भारत विलय किया गया उन्नीस में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य गठन कब हुआ तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य गठन उन्नीस में किया गया बी इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर चौंतीस भारत का पहला राज्य जहां व्यास यानी जहाँ व्यस्क जी हाँ क्या है यहाँ पर व्यस्क की माफ कीजिए यहाँ की पर व्यास नहीं है ये गलती सीट आप व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए वह दोस्तों मणिपुर ठीक है मणिपुर वह भारत के पहले राज्य हैं जहाँ पर व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते तो मणिपुर की विधानसभा में एक वोटिंग की गई जिसमें मणिपुर के लोगों के माध्यम से भारत को में मणिपुर के विलय कर लिया गया सरदार पटेल द्वारा किस सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया गया तो सरदार पटेल द्वारा दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया गया बारदोली सत्याग्रह उन्नीस में दोस्तों हुआ था ये एक किसान सत्याग्रह था और इसी सत्याग्रह में जो कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की मुलाकात जो हुई थी सरदार पटेल के हालांकि उन्नीस जो खेड़ा सत्याग्रह था वहाँ पर भी ये शामिल थे बट सही रूप से उन्नीस में इनकी मुलाकात होती है बारदोली सत्याग्रह में और इसी बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं द्वारा ही सरदार पटेल को यानी वल्लभ भाई पटेल को क्या उपाधि दी गई सरदार की उपाधि दी गई यह उन्नीस सौ अठाईस में बारदोली किसान के महलों द्वारा सरदार पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और उसी के बाद से वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है कांग्रेस के उन्नीस सौ इकतीस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो कांग्रेस के उन्नीस सौ इकतीस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रश्न नंबर सैंतीस देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था अक्टूबर उन्नीस अगस्त उन्नीस सितंबर 1948, नवंबर उन्नीस उन्नीस तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था दोस्तों अक्टूबर उन्नीस को जूनागढ़ को भारत में भारतीय संघ में कब मिलाया गया तो जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिलाया गया नवंबर उन्नीस सौ सैंतालीस नौ नवंबर उन्नीस को सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान गया? दिया गया उन्नीस सौ इक्यानवे में मरणोपरांत यहाँ मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान उन्नीस सौ इक्यानवे में दिया गया भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में राष्ट्रीय एकता तो दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में यानी इकतीस अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत दो से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी सरदार पटेल को लोह पुरुष की उपाधि किसने दी तो सरदार पटेल को लोह पुरुष की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने प्रश्न नंबर तिरालीस वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था तो वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल प्रश्न नंबर चौवालीस सरदार पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था तो सरदार पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो जी हाँ ऑपरेशन पोलो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं ए स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है बी इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है सी स्टेचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था और लास्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग एक मीटर है तो इसमें जो सही कथन नहीं है वह है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो लंबाई है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है ये गलत है बीस का गलत सही उत्तर है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किस राज्य से संबंधित थे तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तमिलनाडु राज्य से संबंधित यानी सी राजगोपालाचारी प्रश्न नंबर सैंतालीस भारत में उन्नीस के प्रथम आम चुनाव को किसने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था दोस्तों ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर पत्रिका द्वारा उन्नीस के प्रथम चुनाव को सबसे बड़े इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया था उनके अनुसार भारत अभी शिशु लोकतंत्र है और शिशु लोकतंत्र में इतने बड़े चुनाव का आयोजन कराना असंभव था लेकिन भारत ने यह कह कर कर या चुनाव का आयोजन कर पूरी दुनिया के मुंह पर ताला लगा दिया और आज तक हम दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्र में से एक माने जाते हैं अब एक क्या हम सबसे सफल लोकतंत्र भी हैं और इसी बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनती ही है कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन किसने कहा था तो कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन कहा था पामार ने प्रश्न नंबर उनचास हैदराबाद के निजाम का क्या नाम था तो हैदराबाद के निजाम का नाम है -मुल्क या उस्मान अली खान या अली बेग तो हैदराबाद के निजाम का नाम दोस्तों है उस्मान अली खान हैदराबाद के शहर के संस्थापक हैं निज़ाममल्क जम्मू कश्मीर के विलय भारत में किस प्रकार किया गया तो जम्मू कश्मीर के विलय दोस्तों भारत में किया गया जनमत संग्रह के द्वारा इसके अलावा सॉरी जम्मू कश्मीर के विलय किया गया था विलयपत्र के द्वारा ठीक है जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई के द्वारा ठीक है तो ये है दोस्तों इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पचास क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में इनमें से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो इसी बात करिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही अगर इस क्वेश्चन इन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके कोई भी माइंड में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उससे संबंधित दोस्तों आप सभी डाउट को क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो लोड हो तो आप सभी के लाई जाए वो बिना किसी बात का बिना रोक टोक के आप सभी तक पहुँच सके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंद